इस साल अर्थ डे की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी इस साल अर्थ डे का मकसद है लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन से और प्लास्टिक यूसेज से अवेयर करना। साथ ही इस थीम के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि 2040 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल में 60% तक गिरावट आ सके। आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार प्लास्टिक की जाँच एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह की जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अंदर लेड पाया जाता है, शीशा पाया जाता है, मर्करी पाई जाती है, साथ ही इसके अंदर कैडमियम भी पाया जाता है। ये सारी ही चीजें आपके शरीर को काफी बीमार बना सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये सभी चीजें आपके हार्ट और आपकी ब्रेन के कनेक्शन में आ जाए तो ये आपको बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर भी दे सकती हैं। इसी के साथ साथ ये बर्थ डिसऑर्डर का भी खतरा पैदा कर सकती हैं। बर्थ डिसऑर्डर यानी माँ से बच्चे को भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसे साधारण भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है वो भी कई बीमारियों की चपेट में आकर पैदा हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार प्लास्टिक में हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की काफी क्षमता होती है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है, जिस प्लास्टिक की बॉटल्स और फूड पैकेजिंग का हम यूज करते हैं उसमें से भी काफी सारा प्लास्टिक हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। ये टॉक्सिन्स पानी को भी पोल्यूटेड बना सकते हैं। साथ ही तालाब में पड़ी पानी की बोतलें मछलियों की सेहत के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर यही प्लास्टिक मछलियों के इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए तो मछलियां मर भी सकती हैं। इसके अलावा जैसे हम प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल करते हैं और उनको एक बार यूज करने पर फेंक देते हैं, वो हमारे वातावरण के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर पूर्व के अनुसार प्लास्टिक के यूज से सबसे ज्यादा दो बीमारियों का खतरा फैलता है, एक है अस्थमा और दूसरी है पल्मोनरी कैंसर। दरअसल प्लास्टिक में मौजूद टॉक्सिन से सबसे ज्यादा व्यक्ति को अस्थमा की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसमें उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होती है। वहीं इससे पल्मोनरी कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं। वो ऐसे कि जब भी प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली जहरीली गैस जिसे हम इनहेल करते हैं उससे पल्मोनरी कैंसर हो सकता है। आज अर्थ डे के दिन आप कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की चीजें कम से कम इस्तेमाल करें, साथ ही प्लास्टिक यूसेज, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक बर्निंग से दूरी बनाकर रखें।